हेलो लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल इन लाइटर नॉलेज आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ होता है आपके यूटिलिटी एनालिसिस का और इसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ गौसन के नाम से भी जानते हैं तो आइए शुरू करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये सेकेंड लॉ होता है यूटिलिटी एनालिसिस का और ये हमें बताता क्या है कि कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले अपने एक्सपेंडिचर से मतलब जितना वो खर्चा करता है डिफरेंट गुड्स पर उससे उसको कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सकती है ये लॉ कंसर्न करता है कि एक्सपेंडिचर कैसे कंज्यूमर करता है और ये प्रोपाउंड किसने किया था मतलब दिया किसने था नाइनटीन सेंचुरी में फ्रेंच इंजीनियर गौसन ने ये लॉ को दिया था आपने पढ़ा होगा दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी गौसन ने प्रोपाउंड किया था और वो गौसन का फर्स्ट लॉ था तो जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो गौसन का सेकेंड लॉ हो जाएगा इसीलिए इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ गौसन के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है डॉक्टर मार्शल ने इस लॉ को यही नाम दिया है दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अब ये लॉ स्टेट क्या करता है मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है इस लॉ की दिस लो स्टेट दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहिए मैक्सिमम सेटिसफेक्शन चाहिए कंज्यूमर को तो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट कॉमोडिटीज पे कैसे स्पेंड करे ठीक है इन सच्चा वे वो ऐसे स्पेंड करे कि जो लास्ट रुपये वो स्पेंड कर रहा है दोनों कॉमोडिटीज या ईच कॉमोडिटी पे उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले यह आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा टेबल और ग्राफ की हेल्प से अभी तक आपको यही याद रखना है कि इसमें यह बताया गया है कि एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज पे कैसे खर्च करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके और जो लास्ट रुपये वो स्पेंड करता है हर कॉमोडिटी पे उससे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इसीलिए इसका नाम दिया है गया है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी का मतलब यही है दैट इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बन जाती है एंड तक आते इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया है जैसे मतलब एक जनरल लॉ है जनरल प्रिंसिपल है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए इन सिंपल वर्ड इसे हम लोग लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं देखो इस लॉ के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड लॉ ऑफ गोसन एक ये आ गया लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिसफेक्शन नेक्स्ट प्रोफेसर हिपडन ने इस लॉ को लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर का नाम दिया है क्योंकि रैशनल कंज्यूमर वही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फेक्शन लेना चाहता है अपनी लिमिटेड इनकम से इसको हम लोग लॉ ऑफ सब्सटिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं सब्सटिट्यूशन ऐसे कि एक कंज्यूमर क्या करता है जिससे उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल आ, मिलती है वो गुड को वो क्या है सब्सटीट्यूट करता है और दूसरी गुड को छोड़ देता है जिससे उसको लोअर मार्जिन यूटिलिटी मिलती है नेक्स्ट है कि लॉर्ड रॉबिन्स ने इसको कहा है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स देखो लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कह दिया उन्होंने क्योंकि ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की हर फील्ड में ये लॉ आपका अप्लाई होता है हर सेक्शन में अप्लाई होता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन कंजप्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस में भी ये लॉ अप्लाई किया जाता है तो बहुत सारे नेम हो गए हैं इस लॉ के डिफ़रेंट डिफरेंट नेम्स हैं नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन कुछ पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल डॉक्टर मार्शल कहते हैं इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग विच ही पुट टू सेवरल यूज़ मतलब ये ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसके अलग अलग यूजेज़ हैं अल्टरनेटिव यूजेज़ हैं ही विल डिस्ट्रीब्यूट

और प्राइस की रेशो निकाले तो वो इक्वल हो जाए उनका कहने का मतलब क्या है जैसे ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ़ फर्स्ट आइटम रेशो ली है प्राइस से ये किसके इक्वल हो जाए बाकी सेकंड यूनिट के सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस थर्ड की मतलब सो ऑन ये ऐसे चलता रहेगा मतलब इनसे जो रेशो है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की ये एक दूसरे सभी कम्योडिटीज़ के क्या हो जाए इक्वल हो जाए अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि प्राइस अभी का सेम है हर कॉमोडिटी का प्राइस सेम है तो क्या हो जाएगा वो आपस में कट हो जाएंगे अगर यहाँ पे भी वन रुपी प्राइस है यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है या कोई भी मान लो टू है तो ये क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट आइटम इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड एंड सो ऑन ये चीज़ आपके पास रह जाती है ये मार्जिनल यूटिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट क्या है कॉमोडिटीज़ की तो ये सेमय्यूसन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ आपकी बन जाती है नेक्स्ट इस लॉ के ऑजॉपन्स आ जाते हैं इस लॉ के भी अब अलग अलग ऑजॉपशंस हैं अगर ये फुलफिल होते हैं तभी ये लॉ अप्लाई हो पाता है फर्स्ट ऑजप्शन वहीं क्योंकि हम लोग अभी यूटिलिटी एनालिसिस को ही पढ़ रहे हैं तो पहली ऑजप्शन तो इस चैप्टर सब सब में आ जाएगी कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल है हम क्या है यूटिलिटी को नंबर में मेज़र कर सकते हैं सेकेंड कंज्यूमर रैशनल है मतलब कंज्यूमर बहुत ज़्यादा समझदार है उसे पता है कि उसने अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करना है ताकि उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके थर्ड इनकम कंज्यूमर की क्या रहेगी कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं आएगा इनकम में इनकम फिक्स रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कॉन्स्टेंट रहेगी इसका मतलब ये होता है कि अडिशनल मनी जब आप स्पेंड करते हो किसी कॉमोडिटी का उससे यूटिलिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा वो कॉन्सटेंट रहेगी नेक्स्ट है प्राइजेज ऑफ कॉमोडिटी भी कॉन्स्टेंट मतलब ये सारी चीज़ें देखो कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट कॉमोडिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे यूनिट्स में इकनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम इसमें छोटे छोटे भाग लेकर चलते हैं लाइक like, इनकम हम चार रुपए ले ली पाँच ले ली उससे क्या होता है कि कव एक अच्छी तरीके से बन पाती है और स्मॉल यूनिट्स ऑफ मनी को लेकर चलते हैं जैसे वन रुपी हो गया चीज़ उन्होंने बताई है नेक्स्ट है कंज्यूमर टेक प्लेस एट अ गिवन टाइम पीरियड मतलब कंज्यूमर अब जो अपनी चीजें खरीद रहा है वो किसी ना किसी गिवन टाइम पीरियड पर उन चीज़ों की कंजप्शन कर रहा है एक्सपेंडिचर कर रहा है ये आपके हो चुके हैं अडप्शन नेक्स्ट है आपकी इस लॉ की एक्सप्लानीशन एक्सप्लानेशन में ये आपको टेबल दिया गया है कि यहाँ पर वो मानकर चले हैं कि कंज्यूमर की इनकम है फाइव रुपीज यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट वो रुपीस का स्पेंड कर रहा है मतलब कंज्यूमर की इनकम कितनी है फाइव रुपीस है ये हम मान कर चले हैं अब मैंगोज और मिल्क दो कॉमोडिटीज है उसके पास जिसपे वो अपनी इनकम को स्पेंड करवाता है हम यहाँ पे ये भी मान कर चले हैं कि दोनों का प्राइस क्या है वन वन रुपी है मतलब सेम प्राइस है दोनों का वन वन रुपी दिया गया है देखो पहला जब यूनिट है रुपी का तो क्या हो रहा है उसको मैंगो से ट्वेल्व की यूटिलिटी मिल रही है मिल्क से टेन की मिल रही है अब ये ध्यान में रखते हुए आपने क्या निकालना है मैक्सिमम सेटिस्फ़ैक्शन को निकालना है कि पाँच रुपये एक कंज्यूमर कैसे खर्च करवाए मैंगोज एंड मिल्क पे कि उससे उसको मैक्सिमम ज़्यादा सेटिसफैक्शन मिल सके तो ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो पहले सिर्फ पहले यूनिट की तरफ ध्यान दो फर्स्ट रुपी अब फर्स्ट रुपी से मैंगो से उसको ट्वेल्व की यूटिलिटी मिल रही है मिल्क से टेन की मतलब ज़्यादा तो मैंगो से मिल रही है तो पहला यूनिट कंज्यूमर किस पे स्पेंड करेगा ऑफकोर्स मैंगो पे स्पेंड करेगा मतलब फ़र्स्ट रुपी जो फर्स्ट रुपी है वो कंज्यूमर ने मैंगो पे स्पेंड कर दिया इसको हम लोग क्रॉस लगा दें कि ये उसने स्पेंड कर दिया है ठीक है ये आपका हो चुका है अब सेकेंड रुपये की बात करते हैं अब आप कहोगे सेकेंड रुपीस में यहाँ पर भी टेन है अब ट्वेल्व तो कट हो गया ये कट हो चुका है और यहाँ पर भी टेन है तो मतलब इन दोनों में से किसी पे भी वो स्पेंड कर सकता है अपने सेकेंड रुपी को तो सपोज करते हैं कि सेकेंड रुपी भी उसने मैंगो पे ही स्पेंड करवा दिया है अब बात करते हैं थर्ड रुपी पे अब सेकेंड रुपी मैंगो पे स्पेंड करवा दिया ये भी कट हो गया अब आ जाओ थर्ड रुपीज़ पे थर्ड पे क्या बच गया यहाँ पर टेन है अभी भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे टेन है यहाँ पर एट है मतलब टेन बड़ा है एट से तो थर्ड रुपी उसने किस पे स्पेंड करवा दिया है मिल्क पे ठीक है ये भी क्या हो चुका है स्पेंड हो चुका है अब फोर्थ रुपी की बात करते हैं फोर्थ रुपी में फिर से वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी एट है यहाँ पर भी एट है सपोज कर लो किसी पे भी स्पेंड आप स्पेंड करवा सकते हो ना फोर्थ रुपयी आप सपोज करो हमने फोर्थ रुपयी भी मिल्क पे ही स्पेंड करवा दिया ये भी हो गया अब आपके पास एक रुपया बचा है फिफ्थ रुपी ओनली तो फिफ्थ रुपी देख लीजिए एट पे स्पेंड करवाओगे या सिक्स पे तो एट बड़ा है दैट्स वाई फिफ्थ रुपी हम लोग मैंगो पे स्पेंड करवा देंगे तो ये आपके पाँच रुपये क्या हो चुके हैं स्पेंड हो चुके हैं इसका मतलब ये देखो वन मैंगो कितनी बार आया टू एंड थ्री तीन रुपीस मैंने मैंगो पे स्पेंड करवाए और दो रुपीस मैंने मिल्क पे स्पेंड करवाए तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए कि जो लास्ट वाली यूटिलिटी आपको मिल रही है वो दोनों में ही एट एट है यहां पर भी एट है और यहां पर भी एट है तो मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हो चुकी है एट एट हो चुकी है ओके अब हम लोग इसको प्लस करवा देते देखो एट एट तक ही हमने स्पेंड करवाए हैं तीन रुपीज मैंगो पे दो रुपीज मिल्क पे और लास्ट रुपी जो आप स्पेंड करवा रहे हो वो आपको क्या दे रही है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको इससे मिल रही है तो हम टोटल यूटिलिटी कैसे ढूंढेंगे टोटल यूटिलिटी वैसे ही ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ देखो तीन रुपीज़ आपने मैंगो पे स्पेंड करवाए ना ट्वेल्व टेन और, और एट तक यहाँ प्लस करवा देते हैं ट्वेल्व टेन एट टू रुपीज़ आपने मिल्क पे स्पेंड करवाए हैं है, प्लस टेन एंड प्लस एट अब क्या करेंगे इन सभी का हम लोग सम कर देंगे तो जब हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है फोर्टी एट मतलब टोटल हमें कितने यूटिल्स मिल रहे हैं फोर्टी एट यूटिल्स मिल रहे हैं अब कोई भी और कंडीशन लेकर चलो कि मानकर चलो आप चार रुपये स्पेंड करवाते हो मैंगो पे या एक रुपये मिल्क पे या दो रुपये मैंगो पे तीन रुपए मिल्क पे कोई भी आप लोग लेकर चल लो फोर्टी एट से ऊपर किसी का सम नहीं आएगा आप ट्राई कर सकते हो लेकिन फोर्टी एट से ऊपर नहीं आएगा हमेशा क्या है फ़ोर्टी एट से कम ही रहेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को तभी मिल रही है जब वो तीन रुपए मैंगो पे स्पेंड करवाता है और दो रुपये मिल्क पे स्पेंड करवाता है क्योंकि हायर सेटिस्फेक्शन लेवल उसे यहीं पर ही मिल रहा है तो ये आपका हो चुका है कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ढूंढा जाता है नेक्स्ट में आपको इसकी फिगर बनवा देती हूं यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंगोज मैंगोज की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे रुपीस आपने फाइव तक लिया था थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव तक स्पेंड करवा लेते हैं लेकिन क्या था मैंगोज में तीन रुपए और मिल्क में हमने दो रुपए स्पेंड करवाए थे यहाँ पर दो दो का डिफरेंस ले लेते हैं ट्वेल्व उसकी हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी थी और बिल्कुल सेम इधर आपने वैसे ही यूनिट्स लेने हैं इसकी टेन थी हाईएस्ट अब आपको ग्राफ बनाना है जैसे फर्स्ट रुपी जब हम स्पेंड करवाते थे मैंगोज पे हमें बारह की यूटिलिटी मिलती थी सेकंड भी हमने स्पेंड करवाया था टेन पे और थर्ड हमने एट पे मतलब तीन रुपये हमने मैंगो पे स्पेंड करवाए थे तो ये आपकी मैंगो की कर्व बन जाती है अगर फोर्थ रुपी स्पेंड करवाते हो उससे सिक्स की मिलेगी एक बार आपको कर्व ही बनानी है यहाँ पर फर्स्ट से आपको मिलता था टेन की यूटिलिटी सेकेंड से आपको मिलती है एट की यूटिलिटी मतलब दो रुपये हम लोग मिल्क पे स्पेंड करवा रहे हैं ये आपका मिल्क की कर्व है ये आपकी मैंगोस की अब देखो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एट एट है दोनों में ये हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं जो आपको शो करवाती है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब थ्री रुपीज अगर आप मैंगोस पे स्पेंड करवाते हो और टू रुपीज अगर मिल्क पे स्पेंड करवाते हो तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है ये आपका ग्राफ हो चुका है जो बिल्कुल सिंपल है बस आपने क्या करना है मैंगो का मिल्क का ग्राफ अलग अलग बनाकर जहाँ पर आपको इक्वल मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है कितने रुपीस कहाँ पे स्पेंड करवा के वो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी अब क्या होता है कि अगर मैं कंडीशन लेकर चलूँ कि मैं मैंगोज पे चार रुपये सर स्पेंड करवा दू और मिल्क पे कितने करवा दू एक ठीक है तो क्या होगा आपकी यूटिलिटी में क्या होगा फर्क आ जाएगा ये चीज है यहाँ मैंग यहाँ रुपीज वैसे ही लगेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और ऊपर आपको वही कंडीशन लेनी है ट्वेल्व पहले हम मैंगो का बना लेते हैं अब मैंने आपको क्या कहा कि मैंने फोर रुपीज मैंगो पे स्पेंड करवा दिए ठीक है मतलब फर्स्ट से मुझे ट्वेल्व की यूटिलिटी मिल रही थी सेकंड से टेन की थर्ड से एट की फोर्थ से सिक्स की मतलब ये मैंने स्पेंड करवाया ना पहले मैं तीन करवा रही थी अब मैं चार करवा रही हूँ चार करवाने से क्या हुआ आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी ठीक है ये बन जाएगी तो मतलब ये चीज क्या है पहले मुझे यहाँ तक यूटिलिटी मिल रही थी ये मेरा गेन है जब मैंने फोर्थ रुपयी भी मैंगो से स्पेंड करवाया तो इतने का गेन किया ना मैंने कितने का गेन हुआ है सिक्स यूटिल्स का मैंगो में मैंगो में सिक्स यूटिल्स का और गेन हुआ है अब हम यहाँ पे मिल्क की बना लेते हैं मिल्क पे वन रुपी स्पेंड करवा रहे हो ना आप अब चार रुपए मैंने मैंगोस पे स्पेंड करवा दिए तो मिल्क पे कितना स्पेंड करेंगे एक रुपया पहले हम कितने करवा रहे थे टू रुपीज करवा रहे थे मतलब क्या है अब मिल्क पे आपने वन रुपीज स्पेंड करवाया है ये कब बन जाएगी मतलब इतनी का क्या हुआ है लॉस हुआ हमें क्योंकि मैंने फोर्थ यूनिट भी किस पे स्पेंड करवा दिया है मैंगो पे स्पेंड करवा दिया ये मेरा लॉस हुआ तो यहाँ से भी आप लोग ढूँढ सकते हो देखो कि गेन मुझे हुआ सिक्स यूटिल्स का लॉस मुझे हो रहा है एट यूटिल्स का मतलब टोटल लॉस मेरा कितना हो गया टू यूटिल्स का मुझे लॉस हुआ ना अगर मुझे पहले फोर्टी एट यूटिल्स मिल रहे थे टोटल तो अब मुझे कितने मिलेंगे टू का लॉस हुआ फोर्टी सिक्स मिलेंगे आप लोग प्लस करके भी देख सकते हो करवा के देख लीजिए क्या हुआ है ट्वेल्व प्लस टेन प्लस एट प्लस सिक्स एंड प्लस टेन वन रुपये ऑन मिल्क एंड फोर रुपयी ऑन मैंगो आंसर आपका फोर्टी सिक्स ही आएगा और फोर्टी सिक्स क्या है फोर्टी एट से लेस है इसका मतलब कोई भी कंडीशन ले लो कोई भी और कंडीशन लेकर देख लो आपके यूटिल्स क्या है कम हो जाएंगे अगर आप उस अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो यहाँ पे आपको लास्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल नहीं मिल पाएगी और लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है गेन आपका कम हो रहा है तो ये आपका पूरा टॉपिक है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे थैंक यू